हाँ तो देखो सब सब इधर आओ पास में आओ। पप्पी ले रहा है मेरी। अरे कहीं नहीं यार, थोड़ा सा दूर दूर बैठ जाओ, ठीक है। गीली पप्पी करता है यार ये। अब नहीं करेगा बस। हाँ हाँ तो सूखी कर दूंगा। उस दिन हुआ यूं था कि मैं बिना चाय पिए सो गया था। क्या बात कर दी यार, उस रात मेरे को अपनी चड्डी में नमी महसूस हुई हल्की हल्की, क्योंकि उस रात मेरे सपने में वो आई थी। हाय हाय हाय, ये बेटी कौन कौन कौन? रेड लेबल की चाय पत्ती। सुबह उठते से ही मेरे को अपने शरीर में चाय की भयंकर कमी महसूस हुई। चाय पत्ती किधर है यार? ये रही। खत्म हो गई है तो। तो आ गए फिर से। तो एडिक्शंस माने की लत। देखो हकीकत में मेरे को कोई लत वत नहीं है चाय की। भैया उठ जाओ यार। भैया सुन लो यार। भैया बचाओ। क्या हुआ भैया? प्लीज मेरे को ये आपके खटारा टेम्पो में आगे चाय की टपरी तक छोड़ के आ जाओ ना। देख ये जो लोग पीते हैं ना, मेरे को उनसे सख्त सख्त नफरत। भैया उधर देख के चला लो यार। देख पीना नहीं पीना वो अपने कैपेसिटी पे डिपेंड करता, पर इतनी भी मत पियो कि अपने को होश ही ना रहे कि अपन क्या कर रहे हैं। देखो पता है अपना भांजा है। हाँ। वो मतलब बहुत टाइम से कह रहा था नीट की तैयारी करनी। अच्छा तो अब मैंने करवा दी। सही है, आजकल पढ़ाई के बिना कुछ। एक गिलास में ही ढुसोगे यार वो तो। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन सारे डिप्रेस्ड लोगों का मसीहा तो वो एक ही था। हमारा अपना चाइनीज मोमोज वाला जो कि नेपाली है, इसके दुकान खुलने के दो दो घंटे पहले से ही लोग आके टापे मार रहे हैं वहाँ पे। एकदम हीरो जैसे आएगा हीरो। इधर पुलिस वालों से क्राउड मैनेज नहीं हो रहा। पेट उधर कर। पेट नहीं है, मसाले मसाल। फिर हमारा राजीव मोमोज वाला आके पूरा क्राउड कंट्रोल करता है। गिव इट अप फॉर राजीव। स्टीम के प्राइड। स्टीम हाँ तो येलो स्टीम। तो फिर आपकी ये मसल का राज क्या है? कल नहीं यार, मतलब देखो रेगुलर जिम जाओ, जंक फूड वो थोड़ा सा कम कर दो। अरे भैया इतनी कसरत मत करो, ये जो आपके पुट्ठे है ना ये घिसा जाएंगे। भाई कुछ लोग जिम में आके ये काम कर रहे बस। हैशटैग डोला नहीं आया डोला। इनके मुंह पे जरा सी शर्म नहीं दिखे ये तुमको ये हरकत करते हुए। और इन लौंडो को ये बीमारी लड़कियों से लग रही है, क्योंकि लड़कियों में ये चीज एक्सट्रीम पे होती है। ये इधर वाला पीस कहाँ गया? तू खा गया? हाँ मतलब खा गया। कोई खाना निकाल मुंह में से। खाया कैसे तूने? हाँ, अभी जाएगा स्नैप। अभी चल आजा, मेरा हाथ पकड़। अंगूठी के छुपा रहा यार, चट। With my love forever। चल अब मैं ये खा रही हूँ, तब तक ये स्नैप सबको भेज दे। तो ये तूने मम्मी को क्यों भेज दिया है? पागल गवार ढीठ। अब और मैं नहीं रह सकती तेरे साथ, बस मेरा हो गया है। अब अपना रिश्ता यहीं पे खत्म है। अब मेरे को कभी शक्ल मत दिखा देना तेरी। तूने मेरे को बहुत हर्ट करा है। क्या? अरे पर तूने ही तो बोला था कि सबको भेज। मेरे को कुछ नहीं सुनना है। पर तूने ही। तेरी गलती है। हाँ मैं मान रहा हूँ मेरी गलती है, पर तूने ही। खत्म। I don't want to hear anything। जा रही हूँ मैं। बिल भर देना। अब तुम मेरे को स्नैप डालना ही पड़ेगा। #breakupvibes। और इधर मेरे पास था बहुत ही प्राचीन फोन, जो कि मेरे पापा ने भी किसी से सेकंड हैंड लिया था। फिर जब उन्होंने नया फोन लिया तो मेरे को पुराना पकड़ा दिया। छन से जो टूटे हुए सपना। तो जो मेरे पास थर्ड हैंड फोन था ना, वो इतना एडवांस था कि वो चार्जर से चार्ज ही नहीं होता था। उसका चार्जिंग पोर्ट ही खराब था। उसकी बैटरी निकाल के मेरे को केकड़े चार्जर में चार्ज करनी पड़ती थी। और फोन वगैरह तो एक बारी को ठीक है, लेकिन मेरे आसपास वाले लोग भी बिल्कुल ऐसे ही थे, लाचार जुझारू। ये लोग डॉक्टरों का धंधा खा रहे बैठे बैठे। इन लोगों को कितनी ही बड़ी बीमारी हो जाए, ये लोग सीधे मेडिकल पे जाके गोली ले लेंगे। हाँ तो डॉक्टर भी तो लिख के वहीं पे पहुंचाएगा ना। अरे कोई बात नहीं, सोचो मत इतना, जला दो इधर। पेट दुख रहा है भाई। वो हरी वाली नहीं आती अपनी पुदीने की, वो दे दे यार एक। और भाई ये मेरा कल छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। हाँ हाँ तो ये अपना हाथ जुड़ जाएगा क्या मेरा? भैया आप हॉस्पिटल तो देखो, उधर टेप वेप पड़ी होगी, गुलाब जल लगा के चिपका दे इसको। और हाँ एक और बात, तुम कितनी ही डेडिकेशन से काम कर रहे हो,
कुछ करिए नस नस मेरी बोले सॉन्ग। अब मेरे को जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, बस अब मेरे को GTA वाइस सिटी की सारी चीटें याद करना है। ले राजू आटा चिक्की पे डाल के आसे तो। ये मेन रीजन कि लौंडे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, क्योंकि आधा समय तो उनका राजू आटा चक्की पे ही गुजर रहा है। फिर वो गेहूं का पोटला मैं अपनी हरक्यूलस पे पीछे लटका के ले जाता था, जो रास्ते में 3 बार गिर जाता था। और तुम लोग ये राजू की शक्ल पे मत जाना, इसकी शक्ल देख के तुमको ऐसा लगेगा ना कि इससे गरीब आदमी इस पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। भैया 23 रुपए हो रहे हैं, 25 कर दो यार प्लीज, मेरे घर में खाने के लिए आटा नहीं है। मैं बच्चा भूखा है। पापा ये खा रहे हो क्या? किंडर जॉय। नम नम नम। ये किंडर जॉय कैसे खा रहा है? मैं आज तक अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज को। मेरे को अभी भी मन में डर है कि मैं कभी घर पे लेके आया तो पापा चिल्ला देंगे। जी हाँ, तो फिर से आ चुका हूँ मैं, और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबो के बारे में। भाई तेरे को ये खबर है कि नहीं कि अपना एशिया कप स्टार्ट हो गया है? हाँ भाई पता है, अपना इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होने वाले ना उसमें, और मैं तो कह रहा हूँ कि इस बार इंडिया के ही लग रहे चांसेस है कि नहीं। भाई तू इतने होशियारी दिखा रहे तो प्रोबो पे दिखाना अपना ओपिनियन देके। जी हाँ, तो प्रोबो ये भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जिसके अंदर सिर्फ हाँ या ना में जवाब देके तुम लोग बड़े प्रॉफिट्स कमा सकते हो। तूने कितना कमाया भाई? अरे मत पूछ, चुप, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे दौड़ के। और हाँ, प्रोबो पे तुम लोगों को मिल जाएगी कई सारी कैटेगरीज जैसे कि क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और भी कई सारी। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने प्रोबो पे ओपिनियन देकर पैसे कमाए। अभी देख, जैसे एशिया कप चल रहा है अपना, तो उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे कि अपना इंडिया एशिया कप जीत पाएगा कि नहीं। हाँ भाई हाँ जीतेगा, तो इसको हाँ कर दो। पैसे कैसे टपकेंगे भाई? अगर तेरा जवाब सही हुआ तो खा नहीं रहे वो तेरा पैसा, गूगल पे, पेटीएम, UPI कैसे भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते। सो गो एंड चेक इट आउट प्रोबो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और अगर तुम मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करते हो तो तुमको मिलेंगे 25 रुपए, और मेरे को दलाली तो मिल ही रही है ये सब बोलने की। और हाँ, ये राजू की भोली भाली शक्ल से तुम जरा से भी मत बहकना, क्योंकि ये शक्ल एक धोखा है, क्योंकि ये ऐसी भोली भाली शक्ल लेके आटा चक्की पे बैठ के दलाली करता है। हाँ दलाल ही आदमी। देखो यार, ये सामने वाले घर का मामला सेट करा अपन ने, तो वो बस 40 के नीचे नहीं जा पाएंगे वो। यार थोड़ा सा कम करवाओ यार। और हाँ, इस दलाल का कस्टमर बन रहा है राजीव। हाँ हमारा मोमोज वाला, लाखों का गल्ला है उस आदमी का एक दिन का। हाँ जला दो सब। और हाँ हमारा राजीव तो 12वीं पास ही है, तो खुले में शक्ल दिखा के रो, ऐसे कोने में जाके मत रो। तो ये पेपर वगैरह सारे रेडी है? काई के पेपर? ये मकान के। अच्छा आप मकान की बात कर रहे हैं, मैं तो वो अपने सामने लड़की रहती। हाँ, तो ये दलाल के पास पीछे पोटले में आटे की जगह पैसे भरे हुए पड़े रहते थे। कभी कभी ये नींद में गेहूं की जगह पैसे भी पीस देता था। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इस आदमी को, इतना पैसा है। और एक और मजे की बात बताऊं कि ये दलाल भी 12वीं पास ही था। नहीं कोने में जाके नहीं, खुले में रहो, खुले में। और हाँ, ये एक प्रॉब्लम सारे दलाल लोगों में कॉमन रहती है, ये लोग दलाल प्रिंट वाले टी शर्ट पहन पहन के घूमेंगे, लेकिन फिर भी इनको ये नहीं पसंद कि कोई इनके मुंह पे इनको दलाल बोले। तो ठीक है, हम लोग फिर नहीं बोलते थे मुंह पे। जल्दी वजा। हाँ हम लोग आधी रात में जाके उसके घर की घंटी बजाते थे और जाके चिल्लाते थे, दलाल अंकल, दलाल बाहर निकल, दल्ले। बापरे, कौन है इधर? मेरा नाम दलाल नहीं है, ठीक है, खाली दलाली करता हूँ मैं कभी कभी। लड़की, भाई तूने मतलब सीधे भाटा ही फेंक दिया उठा के। हाँ तो जिगरा चाहिए उसके लिए भी। और फिर ऐसी कच्ची उम्र के बच्चों को जब फोन मिल जाता है ना, ये किसी के काबू में नहीं रह रहे फिर। चला जा फोटू। अब तो देखो क्या बटिंग हिस्ट्री के बनाता हूँ। पहले थोड़ा सा ट्रीके बना रहे या बैठ के होमवर्क करना, उसके बाद फोन मिलेगा। टुन टुन। मम्मी यार अभी रूपा का मैसेज आ रहा, प्लीज फोन दे दो। मम्मी मैं 4 दिन से उसके पीछे लगा हुआ हूँ, मैं उसको चॉकलेट भी दी थी, डेरी मिल्क सिल्क, ओरियो वाली। टुन टुन। ये लोग रात में भी ठीक से नहीं सो पा रहे। रूपा ने मेरी स्टोरी क्यों नहीं देखी यार? रूपा तूने मेरी स्टोरी क्यों नहीं देखी? मैसेज भी नहीं जा रहा यार, ब्लॉक कर दिया क्या मेरे को? सिल्क सिल्क कैसी रूपे बर्बाद। हाँ दिन रात फोन चल रहा है भाई साहब, बैटरियां फुगा दी है मोबाइल की। क्यूटी। लेकिन हम जैसे गरीब लोगों को तो बचपन में फोन मिलता ही नहीं है, तो हम लोग काम चलाते हैं मम्मी के फोन से। लेकिन देखो हमको उसमें भी प्राइवेसी चाहिए रहती थोड़ी। अब देखो मैं इसके लिए कितना डिफिकल्ट पैटर्न लॉक डालता हूँ, कोई चोर चुरा भी लेगा ना फोन तो खोल नहीं पाएगा, वापस दे के जाएगा मेरे को कि खोल के दे। कुछ भी अनसन उंगलियां घुमा के पैटर्न लॉक डाल रहे हैं यहाँ पे, 2 मिनट बाद खुद को याद नहीं के क्या डाला था।
ऐसा ही था यार, मेरे को तो याद है ये शायद अपना फोन भूल गया है कि मैंने क्या डाला था। पुराना हो गया ना तो ऐसे ही नाटक करते हैं, छोड़ो फालतू नया फोन लेते हैं अपन तो। और मेरे को आज तक ये बात समझ नहीं आई ये इमरजेंसी कॉल क्या काम का है। हेलो, फोन का लॉक खोल दो प्लीज, मेरे फोन का लॉक, मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत कूटा। और हाँ, ये कच्ची उम्र वाले बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, बीच सड़क पे जाके जन्मदिन मना रहे ये लोग। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, के जो प्यार मोहब्बत है ना इन चक्करों में कभी पड़ना नहीं, अपने बस खाओ पियो मस्त रहो, मतलब खाओगे नहीं तो भी चलेगा, पियो और मस्त रहो। तुम जियो हजारों साल और मरो एक। भैया उधर सामने। चाय ले आओ यार एक कप। ओके, तो दी एंड हो चुका है। और अगर तुम लोगों ने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, अभी तक हम लोगों के इंस्टाग्राम पे सिर्फ कितने हैं? कम फॉलोअर है, बहुत ही ज्यादा फेक अकाउंट्स के हम लोगों से ज्यादा फॉलोअर्स होने वाले, तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे तुमको मिलेगा बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट जो कि तुमको इधर यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बार हम लोग बहुत ही बड़ी चीज करने जा रहे हैं जो तुमने आज तक कभी सोची भी नहीं होगी। हम लोग इस बार रख रहे हैं लाइक एम, वो भी ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। 5 लाख लाइक का एम रख रहे हैं जो कि मालूम हमारी औकात से बाहर का है, लेकिन अगर तुम ये इम्पॉसिबल सी चीज कर देते हो हमारे चैनल पे तो अगले वीडियो में अपन भू भा मचा देंगे, तुम लोगों को मजे मजे दिला दूंगा। नहीं,